प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का एक नया पाठ स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे, प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। ये प्रकाश से संबंधित नया पाठ स्टार्ट हम कर रहे हैं। इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में कुछ पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले तो हम ये रिकैप करेंगे। प्रकाश का परावर्तन यानी टकरा के वापस आना, परावर्तन का अर्थ होता है टकरा करके वापस आना। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि दर्पण में होता है, मिरर में जो हम शक्ल देखते हैं जिस शीशे के अंदर, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि प्रकाश टकरा करके वापस आता है। लेकिन इस 10th क्लास में हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण जो गोलाई लिए हुए दर्पण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो मुड़ी हुई सतह होती है उसकी बाहर वाली सतह पर पॉलिश हुई होती है, और जो अंदर की सतह है वो चमकदार सतह होती है, यानी इसके अंदर हम देख सकते हैं अपनी प्रतिबिंब। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें अंदर की सतह तो जो कर्व होती है अंदर को, वो पॉलिश सतह होती है, और जो उभरी हुई गोल सतह है वो चमकदार सतह होती है। उभरी हुई सतह जो बाहर की तरफ गोलाई है, इसमें जो अंदर की तरफ गोलाई है उसमें चमकदार सतह है, इसमें बाहर की तरफ जो गोलाई है उसमें वो चमकदार सतह है। बच्चों, परावर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन आज एक बार फिर इसको हम रिवाइज करेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का पहला नियम है। जैसे ये दर्पण है, इसमें ये आपतित किरण सतह से टकरा करके इसका परावर्तन हो गया, तो ये जो कोण बना ये आपतन कोण कहलाएगा, और जब परावर्तन के बाद कोण बना वो परावर्तन कोण कहलाएगा। तो परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, ये जो किरण दर्पण में पड़ रही है ये आपतित किरण कहलाती है, और जो वापस जा रही है वो परावर्तित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी ये आपतन बिंदु है इस पर जो अभिलंब डाला गया है, ये तीनों चीजें आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों ही एक तल में होती है। तो ये दोनों परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण में भी लागू होते हैं और समतल दर्पण में भी लागू होते हैं। शेष इसके आगे का हम सिलेबस अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।